हाई यूट्यूब, दिस इज देव एंड वेलकम यू ऑल टू ऑल अबाउट पेट्स। आप सभी का स्वागत है ऑल अबाउट पेट्स में। और आज इस वीडियो में मैं आपकी सबसे बड़ी दिक्कत हैंड फीडिंग के टाइम पे दूर करने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मुझसे जो हैंड फीडिंग टिक्स मानते हैं कि वो अपने आप उनको हैंड फीडिंग करा के बड़ा कर सके और ट्रेन कर सके। एंड उस टाइम पे चाहे वो लव बर्ड का बेबी ले, चाहे पैराटिट का ले, चाहे कोई भी बर्ड का ले, उनका सबसे बड़ी एक दिक्कत उनको होती है, सबसे बड़ी उनकी क्वेरी होती है हैंड फीडिंग फॉर्मूले का, कि हैंड फीडिंग फॉर्मूला उनको लेना है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोग जो है ना, जनरली पहले जब बर्ड लेते हैं तो एक ही बर्ड लेते हैं, स्पेशली जब छोटे बर्ड लेते हैं तो वो एक लेते हैं, फिर वो जाके दूसरा थोड़े दिनों बाद लेते हैं। तो क्या होता है कि वो बोलते हैं कि भैया मैं ले तो लूंगा एक हैंड फीडिंग से क्लच से कि किसी ने इस बेबी को लिया है, राइट। उसके बाद क्या होता है, उसको हैंड फीडिंग फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। उसके लिए कम से कम उसको जो है 250 ग्राम का पैकेट मंगवाना ही पड़ता है, जो कि काफ़ी पड़ता है महंगा। तो हमारे पास एक तरीका है कि आपको हैंड फीडिंग फॉर्मूला आपका बच भी जाए और जितनी आपको ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही आपको हैंड फीडिंग फॉर्मूला लेना पड़े। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि ये वाला जो, अगर आप एक लवबर्ड बड़ा करना चाहें या फिर एक पैरेटलेट बड़ा करना चाहें, जो कि आप देख पा रहे हैं बहुत क्यूट क्यूट बेबीज है हमारे पास फिलहाल, इनको एक लवबर्ड को बड़ा करने के लिए 100 ग्राम का पैकेट, मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम हैंड फीडिंग फॉर्मूला है तो इतना बड़ा बेबी आराम से सेल्फ हो जाएगा और आपके पास थोड़ा सा फॉर्मूला शायद बच भी जाए, ठीक है। तो इतना हैंड फीडिंग फॉर्मूला काफ़ी होता है, लेकिन आप वही 250 ग्राम का पैक लेंगे, आपका खाना वेस्ट होगा। इससे बढ़िया आपको क्या करना है, आप ये देखिए मेरे पास एक सोल्यूशन है। आप अगर यहाँ पे जूम करेंगे तो देखेंगे कि इसमें जो है हैंड फीडिंग फॉर्मूला है जो मुझे मिला है पेटशाला की ओर से, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली हैंड फीडिंग फॉर्मूला लेते हैं। लेट्स से कि पेट्स लाइफ का आपको हैंड फीडिंग फॉर्मूला चाहिए, तो पेट्स लाइफ का हैंड फीडिंग फॉर्मूला लेंगे। उसको क्या करेंगे कि वो 100 ग्राम्स के जो है पाउच में ऐसे पैक करेंगे, एंड दे विल मेक श्योर कि ये पाउच एयर टाइट हो, ठीक है। एंड आपका जो पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का, जो एक्सपायरी डेट होता है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का, उसके अलावा जो बैच नंबर होता है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का, वो मेंटेन करेंगे बैक साइड पे, और उसके बाद जाके आपको ये डिलीवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपका पहली बार पैसा बचेगा, ठीक है। कि अगर आप एक बर्ड ले रहे हैं छोटा सा, जिसको आपको मतलब 10-15-20 दिन आपको हैंड फीडिंग कराना है, थोड़ा सा हैंड फीडिंग फॉर्मूला चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। सेकेंड आपको क्या फायदा होगा कि कई बार ना, जब ये हैंड फीडिंग फॉर्मूला बच जाता है और आप सोचते हैं कि इसको बाद में यूज कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जब हैंड फीडिंग फॉर्मूला बचता है कुछ टाइम बाद, वो एक्सपायर है, खराब हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू सर्टेन रीजंस जो आपको बाद में यूज भी नहीं करना चाहिए, तो आपके पास वो जो वेस्टेज है ना वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो अगर आपके पास भी एक छोटा बेबी लिया है, आपने चेक लिया है, एंड उसके लिए अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं हैंड फीडिंग फॉर्मूला 100 ग्राम का, तो petshala.in पे आप जाइए, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी चीप टू बी ऑनेस्ट। एंड अभी क्या करते हैं, अभी ये जो हैंड फीडिंग फॉर्मूला जो मुझे मिला है पेटशाला की ओर से, मैं इसको ट्राई करूंगा एंड इससे ही हैंड फीडिंग करा के मैं आपको अपने बर्ड्स दिखाऊंगा। तो गाइस, ये हमने हैंड फीडिंग फॉर्मूला निकाल लिया है, ठीक है। इसमें से मैं हैंड फीडिंग फॉर्मूला लूंगा और मैं यहाँ पे मिलाऊंगा, और इसके बाद जो है हम फीडिंग स्टार्ट करेंगे अपने बर्ड्स की, ठीक है। तो अच्छे से पहले मैं थोड़ा और फॉर्मूला लेता हूँ और इसको जो है मिला लेता हूँ, एंड इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ किसका रिजल्ट कैसा रहता है। एंड ये है तो पेट्स लाइफ का ही फॉर्मूला, क्योंकि जब जिसने भी पेट्स लाइफ यूज़ किया होता है ना, उसको पता होता है कि पेट्स लाइफ की एक अलग सी खुशबू होती है, ठीक है, जो आपको फॉर्मूले को आप फॉर्मूले के पैकेट को खोलते ही आपको पता चल जाती है कि आपको कितना चाहिए होता है, राइट। तो ये पेट्स लाइफ का ही फॉर्मूला है, एंड मैंने एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मूला जो है रेडी कर लिया है दो बर्ड्स के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को मैं फीडिंग कराऊंगा, और आपको पता है कि ये जो है ना, ये हैंड फीडिंग ले लेते हैं आराम से, बट मैं अपने बर्ड्स को क्रॉप फीडिंग ही कराता हूँ। ये जो मेरे दो बेबीज हैं, इनको मैं अभी भी क्रॉप फीडिंग ही करवाऊंगा। और ये कितना ml लेते हैं, मैं आपको लव बर्ड्स का बता दूँ, ये लव बर्ड जो है ना, ये 8 ml फीड आराम से ले जाते हैं। तो चलिए अब इनको जो है ना फीडिंग इनका स्टार्ट करते हैं। इधर आ भाई, पहले हम इस लुटिनो बेबी को लेंगे। अरे बापरे, ये रहा, बस इसने 8 ml फीडिंग ले ली आराम से। अब जो है, अब लुटिनो अपलाइन की बेबी की बारी है, तो यहाँ पे भी ये रहा 8 ml। ये 8 ml से ज़्यादा भी गाइस खा लेते हैं, बट वो जो है ना ओवर फीडिंग हो जाती है, तो ओवर फीडिंग हमने करानी नहीं है इसलिए। और ये रहा भाई, तो दोनों को हमने फीडिंग करा ली है, दोनों बेबीज का पेट हो गया है फुल, ठीक है।
दोनों बेबीज का पेट हो गया फुल। एंड आपको ये जो है मैंने रामवाण तरीका बताया है कि हैंड फीडिंग फॉर्मूला आपको जितना भी चाहिए उतना आप ऑर्डर करिए पेटशाला से किफायती रेट्स पे, आप जरूर फॉलो कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे मुझे प्यार देते रहिए और देखते रहिए ऑल अबाउट पेट। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी पेटिंग। बाय बाय।